हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राहुल की क्लासेस। आप लोगों को असाइनमेंट दी थी, कुछ आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो आज मैं कर रहा हूं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। आप लोग अपनी असाइनमेंट खोल लो, पहले सब्जेक्टिव करते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव असाइनमेंट में जो पहला डाउट आया मेरे पास वो है फर्स्ट वन मार्क क्वेश्चन नंबर 13। कम टू क्वेश्चन नंबर 13, उसमें देखो 13 क्वेश्चन जो है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव अ रेट कांस्टेंट ऑफ के, के इज गिवन टू अस, के इक्वल्स टू 200 सेकंड इनवर्स, के इक्वल्स टू 200 सेकंड इनवर्स, एंड वी हैव टू फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो हाफ लाइफ निकालनी है, सबसे बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। टी हाफ जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है क्या होता है, 0.693 बाय के। ठीक है, के कितना, मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। ठीक है, मैं आप लोगों को एक चीज और सजेस्ट करूंगा, प्लीज मेरी बात ही मान लेना। मैं जितने क्वेश्चन कर रहा हूं आपके पास वीडियो होगी, जब मर्जी देख सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, एक बार वीडियो देख लेनी है, उसके बाद खुद ट्राई करना सारे। ठीक है, टी हाफ 0.693 डिवाइड बाय के कितना, 200। ठीक है, कितना आ गया, 10^2 ऊपर आके 10^-2। ठीक है, ये 2 के साथ ये कैंसिल, 0.346 आ गए, 0.346। चेक करो आंसर क्या है, 0.346। ठीक है, 3.46 10^-3 लिखा उसमें। ठीक है, और यूनिट्स मत लिखने बोलना, सेकंड प्लस इसके सेकंड। ठीक है, ऊपर आके यहां से ऊपर चला जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ऑड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आई मेरे पास अभी तक। ठीक है, तो आगे चलते हैं फिर। ऑड्स में वैसे आंसर दिए ही हुए थे आपको, उसमें 2 मार्क्स क्वेश्चन में मेरे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, 13 है, 16 है, 18 है। ठीक है, यही है क्वेश्चन नंबर 12। एक मिनट, अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 बच्चे है हमारे पास, ग्राफ स्केच ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड डायरेक्शन कोऑर्डिनेट फॉर द रिएक्शन ऑन द ग्राफ इंडिकेट करना। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, देखो N2+3H2+2NH3। ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होती है, इस रिएक्शन को अच्छे से दिमाग में डालना शुरू कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, 2NH3। मैं आपको थोड़ी सी और डिटेल बता देता हूँ इस रिएक्शन की। ठीक है, ये तो रिएक्शन होती है, इसमें टेम्परेचर चाहिए होता है 700 केल्विन, प्रेशर चाहिए होता है 200 एटमॉस्फेयर। ये आपको याद नहीं करना, सिर्फ दिमाग में एक बार डाला, भूल गए कोई बात नहीं। ठीक है, धीरे धीरे आपको ये याद हो जाएगा। 700 केल्विन, 200 एटमॉस्फेयर, आयरन एक्ट एज अ कैटलिस्ट, मॉलिब्डेनम एक्ट एज अ प्रोमोटर, मॉलिब्डेनम। ठीक है, चलो, और इसका जो डेल्टा एच होता है वो होता है 92.1 किलो जूल। क्लियर, तो इसका हमें कोई लेना देना नहीं है, ये मैंने आपको जनरल कराया, इसको बोलते हैं हैबर प्रोसेस। ठीक है, क्या बोलते हैं, हैबर प्रोसेस। ये वैसे ना 15th ग्रुप में आता है नाइट्रोजन में, वो आपने प्लस वन में किया था, तो उसमें ये आपको करना चाहिए था। थर्मोडायनेमिक्स में भी आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसलिए मैंने आपको कराया। ठीक है, ये आप लोग लिख लेना, बस आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अभी हम इस पर क्वेश्चन करते हैं। जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन है हमारे पास ऑन द ग्राफ इंडिकेट करना एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स कहां बना, एक्टिवेशन एनर्जी का है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का है। तो ठीक है, अब देखो वही बात आ गई ना, इसके लिए हमें पता होना चाहिए रिएक्शन एक्टिव है या एंड। उसने दिया, उसने नहीं दिया हुआ। ठीक है, उसने तो दिया नहीं एक्चुअली, लेकिन हमें पता होना चाहिए एक्टिव होती है, डेल्टा इज नेगेटिव। ठीक है, डेल्टा इज माइनस, तो ये तो आपको समझ आ ही चुका है ना, ये डेल्टा इज होता है। ठीक है, और ये एक्टिवेशन होती कितनी है ये हमें नहीं पता, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन स्टेट खत्म हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। बच्चे मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ सारा।
The rate of reaction triples when the temperature changes from 20 degree Celsius to 50 degree Celsius. Calculate the energy of activation. R given है. R अगर ना भी given हो, मैंने आपको solution का जब हमने स्मॉटी में से किया था, मैंने different value जब R बताई थी कैसे देखनी है, ठीक है? चलो. Question number 13. The rate of reaction triples when the temperature changes from 20 degree Celsius to 50 degree Celsius. T1, 20 degree Celsius. T2, 50 degree Celsius. ठीक है? उसके बाद formula मारो. Log K2 by K1 equals to क्या होता है? याद नहीं है formula ना? EA by 2.303 R log of 1 by T1 minus 1 by T2 T2 शटरा है और वो नहीं दूसरा है अगर यहाँ पे हम आगे K2 देखो rate of reaction में यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है rate of reaction जो है वो triple हो रहा है उसका मतलब क्या होता है rate triple हो रहा है मतलब कि जो K2 और K1 का relation given है हमें अगर मैं K1 K लेता हूँ तो ये कितना होना चाहिए 3 times of K1 है ना तो यहाँ पे आ जाएगा log मैं सीधा लिख रहा ये आ गया 3 times of K1 इधर K1 आया हूँ ये step है जिसको ये step आता है वो कुछ कर लेगा ठीक है equals to ये निकालना 2.303 activation energy जूल में होती है ठीक है तो इसको जूल में लो 8.314 temperature कैल्विन में T1 कितना 20 degree Celsius 273 plus 20 293 minus 1 by T2 73 plus 20 sorry 50 1, 2, 3, 4, 5 323 हो गया ठीक है यहाँ से बच्चे ये निकाल देना log 3 की वैल्यू कितनी होती है मेरी जो log वाली वीडियोस है आप लोग वो जरूर देखो उस पे जितना टाइम दे सकते हो दो ठीक है मैं आज भी कोशिश करूंगा थोड़ा सा log समझाने की मेरे पास एक प्रॉब्लम है log की ठीक है वो वीडियो देखो आपको लॉग एंटी लॉग ओरली हो जाता है आप लोग इतने कैपेबल हो जाओगे कि ओरली कैलकुलेट कर लो ठीक है लॉग से 3 की वैल्यू थी 0.477 ठीक है ये तो कैंसिल हो जाएगा ठीक है ये मल्टीप्लाई होगा ये इधर है तो एलसीएम ले लो ठीक है यहां पे आंसर आपको दिया हुआ है 28.818 ठीक है